भाजपा के कैंपियरगंज विधानसभा के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने 1,22,032 वोट पाकर सातवीं बार जीत हासिल की। आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी काजल निषाद से 42,656 वोट ज्यादा पाकर जीत हासिल की, जबकि सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने कुल 79,376 वोट पाया। जिसके संबंध में भाजपा के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि यह जीत भाजपा के द्वारा जमीन पर जो कार्य हुआ है उसके कारण मिली है, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में जनता के बीच रहे, जिससे जनता में विश्वास रहा और हमको भारी बहुमत दिलाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी ने जो योजनाएं लागू की हैं वह जमीनी स्तर तक पहुंची हैं, जिससे जनपद की 9 सीटें भाजपा जीत पाई और आम जनता खासकर महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में वोट डाला। उन्होंने विपक्षी प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव 15 दिन क्षेत्र में आकर नाच गाकर समय पास करने का चुनाव नहीं था। चुनाव जमीन पर होता है और जमीन पर लड़ता है वह चुनाव जीतता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने कहा, भैया इधर 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 देखिए, ये जो जीत मिली है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जमीन पर हम लोगों ने काम किया कार्यकर्ता बन के, उसका ये रिजल्ट है। जनता के बीच में उपस्थिति कोरोना काल से लेकर के और तमाम अवसरों पे हमारी जो उपस्थिति गांव में थी, जनता में विश्वास पैदा करना, वो काम हम लोग कर ले गए। हम लोग जनता के बीच में अपना टच बनाए रहे और जनता ने भारी बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से प्रचंड बहुमत से विजय सीट दिलाई। पूरी 9 सीटों पर क्लीन स्वीप, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, कार्य का प्रमाण मिला है। जो योगी जी और मोदी जी ने कार्य किया है वो जमीन पर उतरा है और आम आदमी खास तौर से गांव की गृहिणी, उसने हम सबको बहुत आशीर्वाद देने का काम। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात मैं नहीं करता, लेकिन 15 दिन आ करके नाच के गा के समय पास करने का ये चुनाव नहीं था। मैंने पहले भी कहा था, ये चुनाव जमीन पर होता है और जमीन पर जो लड़ता है वही राजनीति में कामयाब होता है। मेरा ये 9वां चुनाव है, 7 बार लगातार मैं जीता हूँ और आप सबके सहयोग से। ये जनता का आशीर्वाद और स्नेह है जिनका, जिसके नाते मैं भारी बहुमत से फिर जीता। जनता को क्या आप कहना चाहेंगे? अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जब सड़क पे जाते होंगे तो चाय का प्याला लेके जाइए, चाय पीते हुए पहुंच जाएंगे। तो मैंने उस तरह से कंपियरगंज का सृजन किया, जैसे ही नया विधानसभा जिस प्रकार से मिला था, बहुत ही खराब स्थिति में उस समय था, हमने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया, तमाम बड़े विकास के कार्य किए और जनता ने सही और सही निर्णय जो लिया, मैं उनके प्रति आभार और धन्यवाद आपके माध्यम से ज्ञापित करता हूं कि मैं उनका ऋणी हूं और आजीवन जब तक जीवित हूं उनकी सेवा करता रहूं। किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा? अब तो विकास का मुद्दा है और उस विकास के मुद्दे पे हम आगे फिर काम करेंगे। हर गांव का विकास हो, ये हमारा लक्ष्य है।